अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्रिएटिव राइटिंग के या किसी भी राइटिंग के नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में भी मालूम हो यानी कि जो लैंग्वेज है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं नाउन् और वर्ब्स ये सेशन है नाउन्स के बारे में यानी कि वो आ, इसम जो हमें ये बताते हैं कैरेक्टर का बताते हैं जगह का या किसी चीज़ का नाम बताते हैं सो बेसिकली These are the, the nouns are the people jinke kahani They are the characters. So nouns, as you can imagine, are very central to any story. If you use the right come you can your story in words and accurately. For example, instead of saying she wore a headpiece with jewels in it, you can just simply say she wore a tiara, because a tiara is a headpiece with jewels in it. तो बजाय इसके कि आप उस लफ्ज़ की पूरी डिस्क्रिप्शन दें आपको एग्जैक्ट अगर वर्ड मालूम है तो वो आप यूज़ करके और दिस इज़ हाउ अ कैबलरी ऑफ नाउन्स विल हेल्प यू राइट मोर एक्यूरेटली एंड प्रिसाइसली एंड इकोनॉमिकली इस तरह आपकी राइटिंग क्रिस्प और प्रिसाइस होगी इसी तरह आप जो आपके दिमाग में जो भी बात है वो आप जो सही नाउन है उसके ज़रिए से आप बेहतर तौर पे कन्वे कर सकते हैं चाहे वो कोई प्रोफेशंस के नाम है अगर आपने कहना है कि वो जो था वो वो बंदा था जो कि स्पेस में जाते हैं इंस्टेड ऑफ़ दैट यू गोइंग टू यूज द वर्ड एस्ट्रोनॉट सो इफ यू नो द प्रॉपर द करेक्ट नाउन फॉर समथिंग यू कैन से थिंग्स इन अ मोर कंसाइज मैनर सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो नाउंस इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड सो दैट यू नो नाउंस एंड चूज द राइट वन एंड देन चेक एंड डू अ रिसर्च इफ यू यूजिंग वन दैट यू डोंट नो फ्रॉम बिफोर उसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें कि आप जिस सेंस में यूज़ करने जा रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं तो ये एक जैसे एक एग्जांपल है आपके लिए सुनीता रीच हर हाउस जस्ट इन टाइम इसमें हर हाउस हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है अब अगर आपको घरों की जो एकसाम है बहुत सारी या रेजिडेंसीज की एकसाम है उनके लिए नाउन आते हैं सो यू कैन सेलेक्ट द एग्जैक्ट वन दैट यू मीन फॉर सुनीता टू बी लिविंग इन आपकी कैरेक्टर है सुनीता आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हट में रहती है या किसी अपार्टमेंट में या विला में और इज इट अ पैलेस दैट शी इज़ लिविंग इन और अ फार्म हाउस और अ मैंशन और अ हवेली एंड वी डोंट नो मे बी सुनीता इज द नेम ऑफ अ कैट एंड द कैट लिव्स इन अ अंडर अ ट्री समवेयर तो ये आपने बात बतानी है विद द यूज ऑफ एक्यूरेट नाम्स ये आपको खुद भी करने का मजा आएगा वंस यू स्टार्ट टू गेट इट राइट और आपके रीडर्स को भी लुत्फ आएगा आपके लिखे को पढ़ने का एक आपकी इंटरेस्ट और दिलचस्पी के लिए एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू रीड दिस टू यू देर आर डार्कनेस इन लाइफ एंड देर आर लाइट्स एंड यू आर वन ऑफ द लाइट्स द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स प्लीज नोटिस उन्होंने कोई सिर्फ नाउन्स यूज किए हैं लाइट और डार्कनेस आर टू नाउन्स दैट द राइटर हैज यूज ये ड्रैक्यूला की जो किताब है उसमें से लिया गया एक्सेप्ट ही हैज़ यूज द नाउन्स इन अ रिपीटेड वे to make to emphasize the fact that that person is very important to the speaker usme unhone ye nahi kaha ki you are the best light you are the brightest light unko ye kehne ki zarurat nahi padi because he's just used the nouns again and again in such a way the light of all lights conveys that इसके बाद कोई और description की ज़रूरत नहीं है कि brightest light hai या most radiant hai ya kuch aur hai so that's a very smart and uh, dramatic वे ऑफ सइंग सम्सप्रेसिंग वट एवर इमोशन ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट इज बिंग एक्सप्रेस्ड इन दिस तो जब आप भी पढ़ें तो इन्जॉय करें ऐसी चीजों को जो राइटर्स यूज करते हैं ऐसी डिवाइस और नोट करें एंड सी हाउ यू कैन ऑल्सो इंकॉर्पोरेट सिमिलर थिंग्स नॉट टू कॉपी दैम बट जस्ट टू सी हाउ दिस वर्ड्स कैन बी यूज इन द बेस्ट पॉसिबल वे लर्न फ्रॉम द मास्टर्स ये एक और ऐसे ही हमने एक जुमला तैयार किया आपकी दिलचस्पी के लिए बर्ड क्रैप द टॉर्च And listened at the window. He heard the sound on the porch. a dull thud moving towards the front door. His pulse drummed hard under his sweaty skin. But despite the fear, he had to investigate. Is action as such, a waiting moment hai. he's just listening, and his reactions are being recorded, and that's done in a very. इन अ वे दैट इन्वाइट्स द रीडर एंड क्रिएट्स बिट ऑफ सस्पेंस एंड यू वॉन्ट टू नो कि क्या साउंड है जो उसको खिड़की के बाहर से आ रहा है और वो खौफजुदा होकर सुन रहा है सो दीज आर सम वेज इन विच नाउन्स कैन भी यूज फॉर इम्पैक्ट एंड यू कैन इंशाला डू इट एज़ वेल कुछ नाउन्स एक जैसे आप किसी मौजू के ऊपर आप अगर कुछ लिखेंगे तो कुछ हो सकता है कि आपको चाहिए हो आर्किटेक्चर के बारे में या जियोग्राफिकल टर्म्स चाहिए हो बजाय आप कहें कि वो एक इस तरह से एक ज़मीन का टुकड़ा था उसके इर्द गिर्द पानी था देन यू गोइंग टू से आइलैंड या कोई और स्ट्रेट्स की आपने बात करनी है या किसी और जियोग्राफिकल फॉर्म की बात करनी है देन इट्स हेल्पफुल इफ़ यू नो द एग्जैक्ट टर्म मेडिसिन से रिलेटेड हैं कोई टूल्स अगर आपने बताने कोई अगर आप डॉक्टर है और वो सर्जरी कर रहे हैं तो अग, आप ले मैन की तरह कोई उस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे यू शुड नो द एग्जैक्ट टर्म्स फॉर द सर्जिकल गाउन दैट द डॉक्टर्स वेयर द ओवरऑल दैट दे वेयर सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू नो द नाउंस दैट यू नीड टू हैव अ फुल कमांड ऑफ वैन यू सिट डाउन टू राइट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और अबाउट अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट अच्छा एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात है कैरेक्टर्स के नाम अब कैरेक्टर्स के नाम एक तो ठीक है आप रीजन के मुताबिक रखेंगे उनकी उम्र के मुताबिक अगर यंगर पर्सन है तो उनका नाम आपको ये जरा मॉडर्न uh, नाम कोई आप चूज कर लेंगे एक्सेट्रा उसमें कुछ इंटरेस्टिंग uh, एग्जांपल्स हैं जैसे कि गॉन विद द विंड है मार्गरेट मिचल की किताब बहुत मशहूर अ मूवी मेड ऑन इट आल्सो इट्स अ क्लासिक उसमें जो हिरोइन uh, है उनका नाम उन्होंने स्कारलेट रखा है स्कारलेट इज ऑल्सो अ कलर इट्स अ ब्राइट रेड कलर और जो हीरोइन है उनका किरदार भी ऐसा है शी इज़ वेरी वाइब्रेंट शी इज़ वेरी विलफुल वो अपनी मर्जी करती हैं और बहुत शज़ ऑलमोस्ट वाइल्ड और बहुत स्पॉन्टेनियस और बेसाख्ता उनकी पर्सनैलिटी है तो स्कार्लेट का नाम उनके लिए बहुत अच्छा सूटबल है तो इसी तरह किरदारों के नाम जब सेलेक्ट किए जाएँ वो भी सोच के कि पढ़ने वाले के दिमाग में इससे क्या इमेज क्रिएट होगी जैसे अगर आप uh, नाम रखें खैरसा एक कैरेक्टर का उससे एक और इमेज क्रिएट होगी अगर आप बबली रखें नाम तो बोथ आर फीमेल नेम्स बट दे क्रिएट कम्प्लीटली डिफरेंट इम्प्रेशन इन द रीडर्स माइंड एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको नाउ्स पता होने चाहिए जैसे कि ब्रेट हैट होता है या स्टलेटो जूतियाँ हील्स वाली बजाय ये कहने कि उन्होंने हील्स वाली जूतियाँ पहनी थी आप एग्जैक्ट हील उस वाली हील के जूतों का नाम अगर आप बताएंगे सो दैट मेक्स योर राइटिंग मोर इम्प्रेसिव फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स फीलिंग्स बहुत सी होती हैं फीलिंग्स के बहुत सारे नाउन्स होते हैं अक्सर हम बहुत लिमिटेड से हैप्पी सैड हैप्पीनेस सैडनेस डिसगस्ट इस तरह के दो चार वर्ड्स हैं जो आप आम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं लेकिन आपकी राइटिंग में इससे ज़्यादा रिचनेस और डेप्थ होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ वाइडर वोकेबली टू कन्वे द एग्जैक्ट फीलिंग दैट इज इन द हार्ट ऑफ अ कैरेक्टर सो जैसे वेंजेंस बिटरनेस जेनरॉसिटी एट्सट्रा ये कुछ ऐसी आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं और आपके लिए आ, आज की असाइनमेंट भी इसी से रिलेटेड है आपने यू हैव टू नोटिस योर ओन मूड्स थ्रू आउट वन डे थिंक अबाउट द रीज़न फॉर दैट मूड एंड रिस्पॉन्ड टू दीज प्रॉम्प अपने आप को आपने ऑब्जर्व करना है यू हैव टू बी इन टच विद योर सेल्फ एज ए राइटर सो दिस इज प्रैक्टिस फॉर दैट आप नोट करें एक दिन में या दो दिन में आपके क्या मूड्स में चेंज आता है और वो किस वजह से आता है और अगेन कोई जो इंटरेस्टिंग चेंज आए उसी को चूज करके उसके बारे में लेकिन डोंट से आई वॉज लेजी बिकॉज आई स्टेडअपलेट तो इसमें तो कोई वो लुत्फ नहीं है सो बी माइंडफुल ऑफ दैट बट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस आई फेल्ट इन सर्ट फीलिंग यानी कि जो पीछे स्लाइड में लिस्ट है आप उसमें से भी देख सकते हैं या आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं तो आई फेल्ट सैडनेस हैपीनेस एंगर फोगिवनेस बिकॉज फिर आपने करना है और इसी छोटा तो सा बिल्कुल टू थ्री सेंटेंसेस में यू गिव द रीजन एंड यू हैव टू डू दिस फॉर टू डिफरेंट फीलिंग्स ठीक है एक फीलिंग उसकी रीजन और दूसरी फीलिंग उसकी रीजन दिस इज योर असाइनमेंट आई होप यू एंजॉय डूइंग दिस एज मच एज आई एंजॉयड मेकिंग इट थैंक यू